स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं हूं ऋषभ पारिक और आज मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग की सक्सेस स्टोरी क्या है। तो सैमसंग की जो स्टोरी है वो काफी इंप्रेसिव है। मैंने 2-3 दिन लगाए हैं इनकी रिसर्च करने के ऊपर। क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा को बनाने में भी सैमसंग का हाथ है? यस, सैमसंग एक कंपनी है जिसके अंडर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स है, मतलब सब कंपनीज हम बोल सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी भी उसी में से एक है जिसने बुर्ज खलीफा को बनाया है। यही नहीं, सैमसंग ने जो मिलिट्री टैंक्स होते हैं वो भी बनाए हैं। सबसे मतलब हैरान कर देने वाली बात ये है कि सैमसंग की जो शुरुआत है वो एक नूडल बेचने वाली कंपनी या फिर कहें ट्रेडिंग स्टोर, किराने की दुकान, उससे हुई थी। है ना काफी शॉकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी कि कैसे नूडल शॉप से लेके मिलिट्री टैंक्स, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, गैलेक्सी एस ट्वेंटी अल्ट्रा, गैलेक्सी फोल्ड और इन कमाल के क्लैमशेल स्मार्टफोन्स और बहुत सारी चीज़ों में सैमसंग कैसे आया। तो आज 2020 में सैमसंग को बहुत सारे लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की वजह से, क्योंकि उसके जो नए स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर है। ऑब्वियस सी बात है कि सैमसंग ने अपना नाम कमाया इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन सैमसंग और चीज़ों में भी एक्सपर्ट है। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसकी शुरुआत ली ब्यूंगचुल ने 1 मार्च 1938 को टेगू कोरिया में की। अब उस वक्त कोरिया के हालात बहुत खराब थे, उनका देश बहुत गरीब था, क्योंकि वॉर के जस्ट बाद में एक देश का जो हाल होता है, मतलब आप सोच सकते हो वहाँ भी कुछ भी विकसित नहीं होता, लोग बहुत गरीब होते हैं। तो ली ब्यूंगचुल के दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं जो बिजनेस करूँगा उससे मेरे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होना चाहिए, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, और यही अच्छी सोच रखकर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में वो नूडल्स की सप्लाई करते थे, मछली की सप्लाई करते थे और ऐसे छोटे छोटे काम करते थे। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता गया, ली ब्यूंगचुल ने बिजनेस को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। बाद में वो नूडल्स और ऐसे सामान को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने लगे, वो चाइना में एक्सपोर्ट करने लगे, क्योंकि कोरिया चाइना के पास है और उनके कुछ लिंक्स वगैरह थे, तो वहाँ उन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किया और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद उन्होंने बिजनेस को टेक्सटाइल में एक्सपेंड किया। ली का ये बिजनेस सक्सेसफुल रहने के बाद अच्छा प्रॉफिट आया, उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल में कदम रखा और कोरिया में सबसे बड़ी वुमेन मील कंपनी खोली। उन्होंने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया कि हर चीज़ का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाए और इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए हर चीज़ का। इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी। और जब शुरुआत की थी ना उस ट्रेडिंग स्टोर की, तो सिर्फ 40 लोग थे। 1 मार्च 1938 को सैमसंग कंपनी में सिर्फ 40 लोग थे। 1938 से लेके 1970 तक आते आते सैमसंग कंपनी एक फुल लाइन प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी थी। रो मटेरियल से लेके एक फाइन प्रोडक्ट यानी तैयार प्रोडक्ट तक सारी चीज़ें सैमसंग करती थी टेक्सटाइल मार्केट में और जो बिजनेस था। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया केमिकल्स में इन्वेस्ट करना और ऐसे ऐसी दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट किया। 1969 यानी कि 1969 में सैमसंग ने डिसाइड किया कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में भी कदम रखेगी, और सैमसंग को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में छाप छोड़ देगी सैमसंग नाम की कंपनी की। तो उन्होंने जो पहला प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उतारा वो था एक टेलीविजन, और एक साल बाद जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो ओवरसीज एक्सपोर्ट होने लगे सैमसंग के। और गाइज 1970 के आसपास कोरिया में सैमसंग एक मेजर कंपनी बन चुकी थी, वहां की जो इकोनॉमी है उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। और लेट 1970s या फिर स्टार्टिंग 1980s में जो एक्सपेंशन हुआ सैमसंग का एज एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड, उनके जो टेक्नोलॉजी स्टफ थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगे, वो ज़्यादा पहचान बना लेने लगे मार्केट में और प्रॉफिट अर्न करके देने लगे। और गाइस 1978 में सैमसंग ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वो दूसरे बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड करवाते थे उनकी डेवलपमेंट होने में। तो ये भी कमाल का आइडिया है कि दूसरे बिजनेस को हेल्प करके खुद प्रॉफिट अर्न करते हैं और खुद के बिजनेस को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने का आइडिया उन्होंने रखा। और इसी के साथ इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए टेक्नोलॉजी के मामले में सैमसंग एक लीडर बन चुका था उस वक्त। 1990 में सैमसंग को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट पेटेंट करवाए थे उसमें उन्हें दिक्कत आई,
घपले होने लगे कंपनी में, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी थी तो ये सारी चीजें होना लाजमी थी और ऐसी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पर इन चीजों से भी सैमसंग को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपने जो रैपिड ग्रोथ है उसके ऊपर ध्यान दिया और इन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की। सैमसंग ने LCD स्क्रीन, कंप्यूटर्स, इनके सेमीकंडक्टर बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनकी बहुत डिमांड होने लगी मार्केट में और इन सब चीजों ने उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक स्थापित कर दिया था। ये जो सेमीकंडक्टर्स बनते थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, उनकी मांग थी सैमसंग की। और 1983 में सैमसंग ने टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में पांव रखे और पहला बिल्ट इन कार टेलीफोन लॉन्च किया, जिसका नाम था SC100। लेकिन गाइस, इस प्रोडक्ट को फ्लॉप माना गया क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी जिसको पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये मतलब पिट गया। ये जो पहला कदम था उनका वो फ्लॉप निकला। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आया SH100। ये प्रोडक्ट भी इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा, ये भी ऑलमोस्ट फ्लॉप ही रहा। सिर्फ कुछ हजार प्रोडक्ट इनके बिके। 7 जून 1993 को जो कंपनी के चेयरमैन थे, उन्होंने जितनी टीम थी उनकी 2000 लोगों की, उनके साथ मीटिंग की और इन फोन्स में जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, उनमें कमियां क्या है। और गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये जो फोन थे उनको मंगवाया गया, पब्लिक में जिन्हें बेचा गया था उनके पैसे वापस दिए गए और फोन को मंगाया गया और 2000 एम्प्लॉइज के सामने उन फोन को जला के राख कर दिया गया। और इसके बाद में सारी जांच पड़ताल कमियां दूर करने के बाद में SH700 नाम का फोन लॉन्च किया गया। इस बार लोगों को ये फोन पसंद आया और इसकी डिमांड काफी अच्छी हुई। इसकी वजह से जो ग्लोबल एक्सपेंशन था, जो रथ था सैमसंग का, उसमें एक और सीढ़ी आ गई और सन 2000 में दुनिया ने जो चीज देखी वो अद्भुत थी। सैमसंग के नए गैलेक्सी स्मार्टफोन्स का आविष्कार हुआ सन 2000 में। सन 2000 में जो गैलेक्सी फोन्स बने, उनकी पूरे वर्ल्ड में प्रेज की गई, डिमांड बढ़ी मार्केट में, काफी अच्छे लोगों को पसंद आए और जो सैमसंग कंपनी है वो एक और बार इस काम में सफल हुई। गाइज, 2006 से जो सैमसंग कंपनी है वो वर्ल्ड में टेलीविजन बेचने में टॉप सेलिंग कंपनीज में से एक है। और जब 2010 की शुरुआत हुई तो जो टैब्स आपने नोटिस किए होंगे, सैमसंग के टैबलेट्स जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मार्केट में आए और उनकी भी काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी हुई शुरू शुरू में। लेकिन जब सैमसंग ने गैलेक्सी एस स्मार्टफोन को लॉन्च किया, उस वक्त जो सैमसंग की असली प्रतिष्ठा है एज एन इंडिविजुअल स्मार्टफोन मेकर, वो प्रतिष्ठित हुई। सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स गेन किया पब्लिक से और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सेटल की। गाइस, उसके बाद तो आपको पता ही है सैमसंग की जर्नी कैसी रही है, कई कई नए स्मार्टफोन्स आए, क्या कुछ नया। और अब सैमसंग का जो गैलेक्सी जेड फ्लिप है वो लॉन्च हुआ, जो क्लैमशेल स्मार्टफोन्स हैं, और S20 अल्ट्रा, आपको पता ही है बहुत सारी चीजें कर रहा है सैमसंग। तो गाइस, सैमसंग की सबसे जो अच्छी चीजें हैं वो मुझे ये लगी कि एक्सपेंशन, उन्होंने एक्सपेंशन पे बहुत ध्यान दिया। और एक चीज नहीं, ये चीज शाओमी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। किसी एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहे वो लोग कंप्लीटली एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं। जितना बड़ा बन सको उतना बड़ा बनो, कोई सीमा नहीं है, कोई सागर नहीं है बिजनेस को जितना बड़ा बनाना चाहें हम लोग। तो ये चीज काफी, एक बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को बनाना अमेजिंग। बाय द वे, पूरी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को नहीं बनाया गया है, बुर्ज खलीफा में पोर्शंस हैं जो डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि ओबवियस सी बात है इतनी बड़ी बिल्डिंग को एक कंपनी को नहीं दिया उन्होंने, कई कंपनीज को दिया जिनमें से टॉप में सैमसंग आता है। और सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नहीं करता, वो बीमा करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो गाइज, ये थी सैमसंग की इंस्पिरेशनल स्टोरी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी और आपकी जो नॉलेज है वो काफी बढ़ी होगी, काफी अच्छे फैक्ट्स थे। तो गाइज, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।